ये है मुंबई के लिए स्पेशल राजधानी। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर तंवर साहब, इस ट्रेन को चलाने के लिए आप तैयार हो गए एकदम? बिल्कुल रेडी, हमारी गाड़ी तैयार है, बस सिर्फ गार्ड का ऑनलाइट और चेंज करके गाड़ी चलेगी। क्या स्पीड रखेंगे इसकी? 130, 130। 130 कितने घंटे में पहुँचाएंगे? 4 घंटे 20 मिनट पहुँच जाएंगे कोटा। नहीं, यहाँ से मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। मुंबई 13 घंटे लगेगा। कोटा 6:10 सुबह का टाइम, 6:10 में पहुँचे, और जो टाइम दिया हुआ है उससे कुछ पहले ही पहुँच सकते हैं। तो जो टाइमिंग दी हुई है उससे पहले ही पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक और जानना चाह रहा हूँ, दो दो इंजन लगाए हैं, क्यों लगाए हैं दो इंजन? जैसा पहले बताया आपको, डबल इंजन से इसका एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, स्पीड जल्दी पिकअप हो जाएगी। लोड हमारा वही है जो 18 डिब्बे इसके साथ में एलएचबी वाले करें, 18 लोड का डिब्बा है हमारे पास में। और क्योंकि लोड जो और राजधानी हमारी चलती है उससे लगभग लगभग 2 डिब्बे कम है, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रखने के लिए लोड ज़्यादा है, इसलिए दो दो इंजन लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो इंजन लगाकर इस ट्रेन को जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने की तैयारी है। 4:15 पर हजरत निजामुद्दीन से चलेगी, और इसमें जो डिब्बे लगाए गए हैं वो चूँकि राजधानी है तो सारे के सारे डिब्बे एसी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो इंजन की कपलिंग की गई है आपस में। और इसके अलावा अंदर की बात करें तो अंदर इसमें तमाम सुविधाएँ हैं, जिस तरीके से राजधानी में सुविधाएँ होती हैं उस तरीके की सुविधाएँ यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूरी तरीके से मुंबई वालों को एक गिफ्ट दिया जा रहा है, एक तोहफा दिया जा रहा है, और मुंबई वालों के लिए एक बड़ी चीज़ है ऐसा कहा जा सकता है। और ये हम आप जनरेटर का शोर सुन सकते हैं, किस तरीके से शोर है, किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, थोड़ी ही देर में ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी।